फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अम्ब्रेला गियर की कटिंग बेहद सरल बेहद आसान तरीके से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि हमको अम्ब्रेला घेर बताइए, तो मैं आपको बता दूं कि अम्ब्रेला घेर तीन तरह से कटते हैं। एक तो पहला अम्ब्रेला हमारा रहता है मिडी अम्ब्रेला, दूसरा हमारा रहता है फ्राक अम्ब्रेला, तीसरा रहता है लहंगा अम्ब्रेला। तो ओके, तो मैं छोटे छोटे पीस में बताऊंगी और एक एक पॉइंट समझाऊंगी, तो बेहद आसान तरीके से। तो ये हम ये जो कपड़ा है इसमें से मैं आपको बताऊंगी लहंगा अम्ब्रेले की कटिंग, इसमें से बताऊंगी फ्राक अम्ब्रेला की कटिंग और इसमें से बताऊंगी मिडी अम्ब्रेला की कटिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मिडी अम्ब्रेला किस तरीके से कटता है, जो कि बच्चों के रहते हैं, बच्चों के फ्राक में पहनाने के लिए हाई नेक के ऊपर पहना दो, कई के ऊपर भी पहना दो तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये मिडी अम्ब्रेला के लिए आप क्या करें, सबसे पहले कपड़ा लें। तो मिडी अम्ब्रेला में हमारा जो कपड़ा है, जैसे ये हमारा कपड़ा है, अब इसको आप क्या करेंगी, इस कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड कर लें। अब इसको करने के बाद में एक फोल्ड करें और यहाँ से बता दूँ ये इधर से ये घुमा दें, बेहद सरल है। सिर्फ सिंगल फोल्ड करें, ध्यान रखें एक फोल्ड करें मिडी अम्ब्रेला के लिए और ये दूसरा फोल्ड करें। अब ये हमारा एक खुला वाला भाग हो जाता है, ये देखिए, और ये वाला बंद वाला भाग हो जाता है। अब इसको मैं बता दूं कि नप्ती लें, नप्ती लेने के लिए इनकी टेप पकड़ें और इस कोने से, जैसे आपकी बेबी के लिए बना रही हैं, गुड़िया है आपकी, बड़ी हैं बच्चियाँ या छोटी हैं, जो भी लंबाई हो, 36 है 35 है बड़ी लड़कियों के लिए और छोटी लड़कियों के लिए 24 की लंबाई 26 की लंबाई, जो भी आपकी हो वो यहाँ से लंबाई, आप यहाँ से पहले मिडी की लंबाई ले लें कि हमको कितना रखना है, और प्लस यहाँ ऊपर से चोली रखें, चोली जैसे हमारी 8 इंच की चोली रख रही हैं या 10 इंच की है, जो भी चोली उसको ले करके और ये मिडी तक के लंबाई रखें आप। तो सबसे पहले ये चोली निकाल लें इस वाला भाग छोड़ के और ये अम्ब्रेला घेर निकालें। तो यहाँ से नाप लें, जैसे मेरे बच्चे के लिए है हमारी ये कितना है 10 इंच है यहाँ तक की लंबाई, तो 10 इंच आप इस तरीके से पूरे में निशान लगा लें, 10 इंच यहाँ और 10 इंच यहाँ, इस तरीके से भी निशान लगा सकती हैं। और यदि इंची टेप नहीं लगाती है तो जो हमारा ये वाला भाग है इसको पलटती जाएँ निशान भी लगाती जाएँ, वो बहुत सुंदर। अब इसको यहाँ से लेके गोल घेरा ये पूरा मिला दें, ये मिडी अम्ब्रेला है। और यदि आपका कपड़ा कम पड़ता है तो यहाँ पे एक उसमें भी जोड़ भी लगता है, जैसे ये वाला कपड़ा बच जाता है तो हम साइड में जोड़ भी लगाते हैं। ये पूरा गोल घेरा बता रही हूँ, ये देखिए, अब मिडी अम्ब्रेला में ये देखिए इतना घेर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी चोली की कटिंग करते हैं, तो मान लो ये हमारी चोली कटी हुई है, अब इस चोली की कटिंग में जो हमारा ये वाला कमर का शेप है, कमर वाले भाग को इस तरीके से लें, ये भी चौथाई भाग हो गया और ये भी चौथाई भाग हो गया, चार भाग ये हैं और चार भाग हमारे ये हैं। तो इसको इस तरीके से मिलाएं, जहाँ पास भी आपका आता है मिला करके, ये देखिए इसको कटिंग कर दें। अब ये हमारा हो गया क्या अम्ब्रेला घेर, ये अम्ब्रेला हमारा कुछ इस तरीके से आएगा गोल, एक तरफ खुला वाला भाग रहेगा और एक तरफ बंद भाग रहेगा। अब इसको आप क्या करें कि इसको इस तरीके से बिछाएं, ये हमारा चोली दिख रहा होगा और ये हमारा अम्ब्रेला। आपको यदि सामने से ये पैक रखना है, ये देखिए कितना सुंदर घेर आ गया है, यदि आपको ये वाला भाग पैक रखना है तो इसको कटिंग नहीं करें और इसको यहाँ से साइड में से सिलाई लगा दें, गोल घेरा लगा दें सिलाई लगा करके और पैक कर दें। चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकती हैं आप, डोरी लगा दें, लेस लगा दें, जो भी चाहें। यहाँ नीचे यदि आप पीको करवाएंगी तो बहुत सुंदर उठाव आता है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और चाहें तो आप पूरे में इस तरीके से लेस भी लगा सकती हैं, बेबी के लिए है, यहाँ पे भी लेस लगा दें, जैसा चाहे मन चाहे आकार दे करके आप इस तरीके से लेस लगा सकती हैं। देखिए कितना खूबसूरत लगता है लेस लगाने पे, ये इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया मिडी अम्ब्रेला। अब मैं बता दूं आपको कि फ्रॉक वाला अम्ब्रेला किस तरीके, और यदि आप चाहें तो इसको इस तरीके से घड़ी कर लें, यदि आप खुला रखती हैं ओपन तो इस तरीके से घड़ी कर लें, ये वाला खुला भाग रख लें, यहाँ से कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद में यहाँ तो ये भी खुल जाएगा और इसमें पूरे में आप लगाएं, तो चाहे पट्टी लगा दें बेल्ट के लिए, या लेस लगा दें, जो भी लगाना हो हुक पूरे में लगा दें, बटन लगा दें, तो ये खुला वाला भाग हो जाता है और बच्चे को आप इस तरीके से पहना सकती हैं। तो ये हमारा है मिडी अम्ब्रेला कटिंग करने का तरीका। अब मैं आपको बता दूँ फ्राक अम्ब्रेला कि किस तरीके से, पूरे स्टेप बाई स्टेप बताऊँगी तो आप एक एक पॉइंट समझिए
और शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिएगा, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमको देता है ढेर सारा प्यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये हमारा जैसे ये चौकोर कपड़ा, इसका बताऊंगी फ्राक अम्ब्रेला किस तरीके से फ्राक अम्ब्रेला बनता है कि एक फोल्ड करें फिर इसको दूसरा फोल्ड कर लें पूरा बराबर जितना आप लंबाई ले रही हैं। एक बार और देखिए, फ्राक अम्ब्रेला है ये, एक फोल्ड पूरा और इसको पूरा जैसे हम मिडी में इधर इतना फोल्ड करवाएं इसको पूरा चौरस फोल्ड कर लें इस तरीके से। अब फोल्ड करने के बाद देखिए बताऊँ कि इसको यहाँ से ये मिला दें। अभी जैसे हमारा जो कपड़ा यदि छोटा पड़ रहा है तो आप क्या करें इसको कि ये कपड़े को भी लंबाई आप ले कर सके, यहाँ से लंबाई ले लें। यदि आपकी लंबाई ज़्यादा चाहिए हो ये कपड़ा है तो आप ये लंबाई लेंगी, फिर ये लंबाई से लेती हुई जैसे ये हमारा देखिए कितना इंच पे आ रहा है, ये 8 इंच, तो यहाँ पे भी 8 इंच लें और यहाँ पे भी 8 इंच इस तरीके से ले लें, यहाँ तक का गोल आ जाएगा ये वाला घेरा। अभी जो घेर जो है गोलाई आ गई और यहाँ पे कपड़ा कम पड़ रहा है, कपड़ा कम के लिए बता रही हूँ ये, तो जो आपके साइड में से कटिंग करेंगे फिर आपके और कपड़े जो रहते हैं यहाँ पे भी जोड़ लगा देंगे तो उससे क्या है कि हमारे फ्राक की लंबाई बढ़ जाती है। और यदि आपकी पूरी लंबाई लेनी है पूरा घेर बराबर है बच्चे के लिए बना रही हैं और पन्ना अच्छा है तो कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ से हमें अपना आप लिए 5.5 इंच, यहाँ पे भी 5.5 इंच और यहाँ पे भी 5.5 इंच। आपको बता दूँ कि आपकी जो फ्राक की लंबाई हो उतने इंच का आपको लंबाई चौड़ाई ले घेरा लेना है। मैं सिर्फ नमूने के लिए बता रही हूँ कि इस तरीके से घेर कटते हैं। आपकी गुड़िया के फ्राक की लंबाई जो भी हो, बड़ी है गुड़िया तो बड़ी के लिए, छोटी हो तो छोटी के लिए। ये देखिए इतना कट गया। अब यहाँ से जो है यहाँ से आप कमर का भाग निकाल दें तो कमर का भाग कुछ इस तरीके से निकालें, जितनी कमर हो उतनी आपको यहाँ से घेर करके निशान लगाना है। नहीं तो जैसे मैं बताई हूँ ये वाला जो कमर का आपकी चोली है उसको इस तरीके से रख के और इसकी भी घेरा आप निकाल सकती हैं। ये हमारा है फ्राक अम्ब्रेला, ये देखिए बस ये मैं इतनी सी कमर निकाल दी। अभी फ्राक अम्ब्रेला का घेर देखिए आप, ये इस तरीके से आएगा। ये हमारा क्या है कि पूरा गोल घेरा आएगा, इसमें हमारा खुला हुआ भाग बिल्कुल भी नहीं रहता। ये फ्राक अम्ब्रेला में आप क्या करें पूरे में करवा लें पीको, ये पीको करवा लेंगे, देखो पूरा इस तरीके से घेरा जाता हमारा फ्राक अम्ब्रेला का। ये कमर हो गई हमारी और यहाँ पूरे में पीको करवा लेंगे तो और झालर आ जाती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ऊपर चोली फिट कर दें इस तरीके से और इसमें आप चाहें तो बेल्ट लगा दें, जितना आप सजाएंगी जितने आप लेस लगाएंगे उतना खूबसूरत लगता है। ये हमारा है फ्राक अम्ब्रेला। अब मैं बता दूँ आपको तीसरे में कि साड़ी का, जो साड़ी का लहंगा बनाया कपड़े का, तो लहंगा अम्ब्रेला किस तरीके से कटता है। तो लहंगा अम्ब्रेला के लिए जैसे मान लो हमारे कपड़ा ज़्यादा लगता है लंबाई, इस तरीके से आप यदि साड़ी से बना रही हूँ तो साड़ी की लंबाई ले लें और चौड़ाई, तो ये हमारा कपड़ा है ये, अब इसको हम लहंगा अम्ब्रेला बनाएंगे। तो लहंगा अम्ब्रेला के लिए हमको इस तरीके से 4 फोल्ड करने पड़ते हैं। देखिए एक फोल्ड हो गया, ये हो गया हमारा ये 4th फोल्ड ये। अब ध्यान रहे 4 फोल्ड होने के बाद में ये लहंगे के लिए है, तो जो भी आपके लहंगे की लंबाई हो वो रख लें। अब इसमें क्या है कि हमारा इधर भी देखिए खुला वाला भाग है ये और इधर भी खुले वाले भाग है, ये बंद वाला भाग है, तो इसको क्या करें आप यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से पकड़ेंगे चार, ये खुले वाले भाग है हमारे और ये, तो ये हमारे क्या है कि इस तरीके से मिलाएंगे तो ये वाला खुला वाला भाग जो हमारा ऊपर की तरफ आ जाता है लहंगे के गोल घेरे में और ये वाला भाग हमारा नीचे की तरफ आ जाता है। ये हम ये अब 4 फोल्ड हमारे ये कपड़े हैं और 4 ये नीचे वाले, तो कितने हो गए 8 फोल्ड। अब 8 फोल्ड में आप इस तरीके से लेंगे, नाप लेने के लिए बता दूं यहाँ से नाप लें तो ये हमारी लंबाई कितनी है फोल्ड के 11 इंच, 11 इंच की लंबाई है तो 11 इंच यहाँ पे भी निशान लगाएं, 11 इंच यहाँ पे भी निशान लगाएं, 11 इंच यहाँ पे भी। अब इसको पूरे में से गोल घेरा करके ये मिला दें, ये अब मिला करके यहाँ से कर दें कटिंग। ये क्या है लहंगा अम्ब्रेला है। 3 तरह के अम्ब्रेला घेर कटते हैं, बेहद खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ से उसी तरीके से आप कमर का भाग जो भी आपका कमर रखी हो उसको आप इस तरीके से मिला करके कमर की जितनी हो आपकी गोलाई यहाँ से कमर का भाग ये निकाल दें।
अब देखिए जैसे हम ये कमर निकाल दिए, अब हमारे क्या ये जो हम फोल्ड करे थे तो ये खुला वाला भाग जो है हमारे कितने बचे हैं, ये तो हमारा पूरा बंद वाला भाग आ गया। अब ये हमारा बीच में आ जाएगा और ये खुले वाले भाग दो ही तरफ आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये आ गए, इस तरीके से घेर बन गया ये खुले वाले भाग का। ये देखिए तो हमारी ये दो हो गई, बीच से हमारी कटिंग कमर आ गई, ये खुला वाला भाग जो है। तो इसमें आप क्या करें, पूरे में एक में अखंड पूरी सिलाई लगा दें और एक में यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ पे बना दें जो हमारे नेफे की कटिंग रहती है। तो यहाँ पे चाहे तो चैन लगा दें, हुक लगा दें और यहाँ पे यहाँ से इतनी सी लेके सिलाई लगा दें और पूरे में आप लगा दें लेस। सबसे पहले लगा दें पट्टी मोटी वाली, कैनवास चाहे तो कैनवास लगा दें और लेस लगा दें। अब इसको इस तरीके से पकड़ेंगे तो देखिए इतना सारा घेरा जाता है हमारा। कम से कम एक साड़ी में से 8 मीटर 10 मीटर का घेरा आता है इस लहंगे में। ये हमारे है लहंगे का अम्ब्रेला। अब इसमें लगा दें आप बेल्ट। अब देखिए बेल्ट लगाने के लिए भी बता दूँ, इस तरीके से आप बेल्ट लगाएंगे तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये देखिए यहाँ पे बेल्ट लगा दें, जैसा चाहें वैसा बेल्ट लगाएं और यहाँ पे भी लगा दें लेस और यहाँ लेस लगा देंगे तो बहुत खूबसूरत। ये तीन तरह की हमारे अम्ब्रेले की कटिंग होती है जो मैं कि स्टेप बाय स्टेप बता दी हूँ। और आपको इसमें से जो भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और मैं ये बोल दूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हों तो लाइक सब्सक्राइब कर लें और शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।